हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपके गन्स काम करते हैं, हाउ गन वर्क्स। फ्रेंड्स, रिवॉल्वर काम कैसे करता है वो शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट का गन के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गन की हिस्ट्री जानने के लिए मैं आपको 1830 में ले चलता हूँ, जब एक 16 साल का लड़का जिसका नाम था सैमुअल कॉल्ट ने अपना घर छोड़कर इंडियन मर्चेंट शिप में जॉब करने के लिए गया। अपने खाली समय में उसने एक नई तरह के बंदूक या गन का डिज़ाइन किया, ऐसा गन जो बिना लोड के फायर करे। उससे पहले भी गन थे जो कि एक या दो फायर के बाद उन्हें लोड करना पड़ता था, जैसे कि आपके 1 बैरल और 2 बैरल फ्लिंट लॉक पिस्तौल। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा आपका गन की हिस्ट्री के बारे में था। अब हम गन्स की वर्किंग को देखेंगे, हाउ गन वर्क्स, हाउ रिवॉल्वर वर्क्स। अब फ्रेंड्स, गन कैसे काम करता है इसे समझने के लिए हम गन्स के बारे में थोड़ा समझना होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी गन्स होते हैं वो एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जैसे कि आपके फुल्ली ऑटोमेटेड गन एक बार दबाने पर कई बार फायर करते हैं, वैसे ही सेमी ऑटोमेटेड गन एक बार ट्रिगर दबाने पर एक राउंड ही फायर करती है। दोस्तों, आपने मूवीज़ या गेम्स में देखा होगा कि फायरिंग करने से पहले कैरेक्टर कुछ ऐसा करता है, इसे हम कॉकिंग कहते हैं, और इस कॉकिंग के वजह से लोडिंग अपने आप ही हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। फेस 1, कॉकिंग। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं इस ट्रिगर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, लेकिन इस ट्रिगर को कभी भी डायरेक्टली दबाया नहीं जाता। ये जो स्लाइड है, सबसे पहले एक हाथ से इस स्लाइड को पीछे खींचा जाता है। सिर्फ इस स्लाइड को खींचते ही गन के अंदर टोटल 5 एक्शन होती है। सबसे पहला, ये जो रिकॉइल स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन पे थी, वो दबाव से उस पर टेंशन क्रिएट हो जाता है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो वापस अपने रेस्ट पोजीशन पे आए। दूसरा, ये इन प्रोजेक्शन की वजह से स्लाइड पीछे खींचते वक्त अपने साथ इस गन बैरल को, यानी वो नली जिसमें से बुलेट निकलती है, उसे भी पीछे ले जाती है। तीसरा, ये कि मैगजीन को गन के में डालते समय गन में जो डालते हैं, जो कार्ट्रिज स्लाइड के वजह से थोड़ा प्रेस हो गया था, वो स्लाइड के हटते ही अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। और तीसरे एक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये आपका मैगजीन कवर है, इसके अंदर ये स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग के अंदर ये जो इधर जो है ये फॉलोअर है। अब मैगजीन कुछ इस तरह से काम करता है, डिज़ाइन होता है कि इसमें जो कार्ट्रिज स्लाइड होकर सही बाहर आ जाता है, जिसमें गन रहता है कार्ट्रिज गोली, वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। स्प्रिंग का काम है कि फॉलोअर के ऊपर जितने भी कार्ट्रिज हो उनको टॉप पर ले जाना, कुछ इस तरह। देखिए, अब होता ये है कि जो आप जब मैगजीन गन के बाहर है, वो कार्ट्रिज सबसे तो टॉप लेवल पर होता है, और जब मैगजीन गन के अंदर डाली जाती है तो स्लाइड के वजह से सबसे ऊपर जो कार्ट्रिज होता है वो थोड़ा प्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्लाइड पीछे जाता है तो वो स्प्रिंग फोर्स के वजह से सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज अपने ऊपर वाले पोजीशन पे आ जाती है। फोर्थ, इसमें जो है चौथा, कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाते हुए इस डिस्कनेक्टर को भी नीचे की ओर ढकेल देता है। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन, स्लाइड पीछे जाते वक्त इस हैमर को घुमा देता है। गन्स के इस पार्ट को हम हैमर स्ट्रट कहते हैं, और इसे नीचे नीचे लगी स्प्रिंग को हम मेन स्प्रिंग, ये जो है आपका जो हैमर स्टंट ऊपर की तरफ हैमर से जुड़ा होता है और नीचे की ओर मेन स्प्रिंग से। अब जैसे ही स्लाइड के दबाव में हैमर उठता है तो इसके साथ ही हैमर स्ट्रट नीचे की ओर मूव करता है, और नीचे की ओर मूव करते वक्त वो मेन स्प्रिंग्स को दबा देता है। इसके वजह से जो मेन स्प्रिंग अभी तक रेस्ट पोजिशन पर थी उस पर टेंशन अप्लाई हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कोकिंग कहते हैं। दोस्तों, ये तो था कि फेस 1 हमारा कोकिंग कैसे काम करता है। अब हम फेस 2 देखेंगे, लोडिंग। दोस्तों, लोडिंग के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, वो कोकिंग के साथ ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अब जैसे ही स्लाइड पर से हाथ हटेगा तो रिकॉइल स्प्रिंग जो स्लाइड की वजह से टेंशन में थी वो वापस से अपने रेस्ट पोजिशन पर आएगी, और साथ में स्लाइड को भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे ले आएगी। खास बात यह है कि
कि जब ये स्लाइड अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रहा होगा तो कार्ट्रिज को बैरल में धकेलते हुए आएगा। ऐसे करते वक्त कार्ट्रिज का पिछला हिस्सा स्लाइड के राइट साइड में लगे हुए एस्केलेटर में कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? रिकॉइल स्प्रिंग के वजह से जब स्लाइड वापस आया तो मेन स्प्रिंग के वजह से हैमर भी अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए समझते हैं क्यों। गन के इस पार्ट को शियर कहते हैं और इस पार्ट को लीफ स्प्रिंग कहते हैं। लीफ स्प्रिंग वही है जो गाड़ियों के सस्पेंशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ एक छोटा रूप में है। अब होता ये है कि ये लीफ स्प्रिंग इस शियर को हमेशा इस डायरेक्शन में रखता है। अब ध्यान से समझे, जिस टाइम स्लाइड के वजह से हैमर जो रोटेट हो रहा था, उसी टाइम वो शियर के साथ एंगेज भी हो रहा था। ये देखिए कैसे शियर को के रोटेट होते वक्त हैमर अटक गया और स्लाइड के जाने के बाद भी हैमर अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा था। दोस्तों यहाँ तक आप ये समझ चुके होंगे, जब कोई कैरेक्टर गन के साथ ऐसा करता है तो गन के अंदर क्या चल रहा होता है। अब इसके बाद हम फेज 3 देखेंगे, आपका फायरिंग। अब ये गन फायरिंग करने के लिए तैयार है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा वो इस डिसकनेक्टर को पुश करेगा और उसी टाइम डिसकनेक्टर सीयर को पुश करेगा, जिससे हमारे हमें हैम जिससे हैमर फ्री हो जाएगा। और इस मेन स्प्रिंग के टेंशन के कारण इस फायरिंग पिन से जा टकरा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इस बात को याद रखे, इस पूरे हिस्से को बुलेट नहीं बोला जाता, सिर्फ इस आगे के हिस्से को ही बुलेट बोला जाता है। इस पूरी हिस्से को हम कार्ट्रिज बोलते हैं और जो आपका ये जो बीच में जो पार्ट है इसको हम केस बोलते हैं या फिर खोखा बोला जाता है। और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट भरा होता है, जिसे गन पाउडर या बारूद भी कहते हैं। कार्ट्रिज के इस पोजीशन में बीचों बीच की तरफ ये प्राइमर कंपाउंड होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही ये हैमर फायरिंग स्प्रिंग से टकराएगा, ये फायरिंग पिन प्राइमर कंपाउंड से टकराएगी, जिसके वजह से स्पार्क या चिंगारी पैदा होगी और इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगते ही केस में हाई प्रेशर गैस पैदा होगी जो बुलेट को करीब 1000 फीट पर सेकेंड की स्पीड से आगे फेंकेगी। जो बात कई लोगों को पता नहीं होगी कि ये है कि बुलेट बैरल से सीधे तरीके से बाहर नहीं आती। बैरल में ये ट्विस्टेड क्रॉस बने होते हैं, जिसके वजह से बुलेट हमेशा स्विंग करके या घूमते हुए बाहर आती है। लेकिन ऐसे में बुलेट को स्विंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घूमते हुए बुलेट में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है और वो अपने टारगेट को सही पोजीशन पे हिट करती है। अब क्योंकि गन को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का पालन करना होता है, इसलिए स्लाइड वापस पीछे जाएगी क्योंकि बुलेट आगे गई है। खास बात यह है कि स्लाइड पीछे जाते वक्त इस एक्सट्रैक्टर की मदद से इस केस को पीछे ले जाएगी, इजेक्टर जो फाइनली इस इजेक्टर से टकरा कर गन से बाहर चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहला राउंड फायर करने के रिएक्शन से ही जब स्लाइड पीछे जाता है तो अगला राउंड फायर करने की कॉकिंग और लोडिंग अपने आप ही कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन के वजह से स्लाइड पीछे जाते वक्त फिर से डिस्कनेक्टर को नीचे की ओर ढकेलेगा, फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से सीयर के साथ एंगेज होकर अटैक करेगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि ये सब इतनी ज़्यादा स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए आपने जो ट्रिगर दबाया था वो अभी भी वैसे का वैसा दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम मिला ही नहीं। अब जैसे ही आप सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर को छोड़ेंगे, लीफ स्प्रिंग के दबाव से डिसकनेक्टर अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब ये गन सेकंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिसकनेक्टर को पुश करेगा, डिसकनेक्टर सीयर को पुश करेगा और सीयर हैमर को फ्री कर देगा और हैमर फायरिंग स्प्रिंग से टकराएगा। गन की खास बात यह है कि इसे सही पकड़े बिना हम एक भी राउंड फायर नहीं कर सकते। अगर आप गन को कॉक और लोड करके बिना गन को पीछे पकड़े फिर फायर करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि गन में ग्रिप सेफ्टी लगी होती है।
ये ग्रिप सेफ्टी ट्रिगर को पीछे जाने ही नहीं देती। जब आप गन को पीछे से पकड़ोगे तब ये ग्रिप सेफ्टी ऊपर की ओर लिफ्ट होगी और डिस्कनेक्टर को पुश करके आगे की ओर आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों ये था कि आपका गन कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।